नमस्ते दोस्तों, रूबरू हूँ आपसे और आपको एक लघु कथा सुनाने जा रही हूँ जिसके लेखक हैं सदानंद कवीश्वर जी और लघु कथा का नाम है बाकी पैसे। आप सुनिएगा और जो भी आपके विचार हों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाड़ी इस स्टेशन पर केवल 2 मिनट के लिए रुकती थी। संयोग से मेरी बोगी के सामने ही पत्र पत्रिकाओं का स्टॉल था। मैंने तुरंत नीचे उतरकर अपनी पसंद की 3 पत्रिकाएं 250 रुपये में ली और पूछा, 2000 के खुले मिल जाएंगे ना? पत्रिका वाले ने अपने लड़के को सामने कैंटीन से खुले पैसे लाने भेजा और अपने पास से 250 रुपये मुझे देकर कहा, 1500 रुपये अभी देता हूं। गार्ड की सीटी और इंजन का भोंपू बज चुका था। मैंने कहा, रहने दो भैया, गाड़ी चल पड़ी है, ये पत्रिकाएं रख लो आप। पर सर, मेरे पास तो 300 रुपये ही थे, 250 मैंने दे दिए, बाकी तो लड़के के आने पर ही दे पाऊंगा। गाड़ी रेंगने लगी तो मैं असमंजस की स्थिति में गाड़ी में चढ़ गया। अरे बुलाओ लड़के को जल्दी। सुपरफास्ट गाड़ी देखते ही देखते तेज हो गई। तभी मेरी नजर भागकर आते हुए उस लड़के पर पड़ी। भीड़ में इससे आगे मैं कुछ नहीं देख पाया। जब ट्रेन तेज गति से प्लेटफॉर्म छोड़कर बाहर निकल गई तो मन महसूस कर खुद को कोसता हुआ अपनी सीट पर वापस आ गया। सामने के बर्थ पर बैठा व्यक्ति जो सब देख रहा था बोला, आपको उसे 2000 का नोट नहीं देना चाहिए था। हाँ, पर मुझे क्या पता था कि वो खुले लाने भेज देगा। अरे आपको नहीं पता, इन लोगों की ड्रामेबाजी है, उसने जान के भेजा होगा, उसके पास खुले पैसे नहीं थे। झूठ बोलते हैं बदमाश। पर लड़का भागता हुआ आ रहा था खुले पैसे लेकर, मैंने देखा। आप बहुत भोले हैं, अरे ये सब इनकी चालाकी होती है, उन्हें पता है खुले पैसों के लिए कोई ट्रेन थोड़ी छोड़ेगा, फिर भले ही वो 2000 का नोट ही क्यों ना हो। मैं क्या कहता, नुकसान तो हो ही चुका था, बेमन से पत्रिकाएं एक तरफ रख कर बैठ गया। सर, अभी स्टेशन पर आपने किताबें खरीदी थी? मैंने पलट कर देखा, वही पत्रिका वाला हाथ में 1500 रुपये लिए हाँफता हुआ मेरे पास खड़ा था। लड़के ने आप तक पहुंचने की कोशिश की पर ट्रेन तेज हो चुकी थी, सो मैं उसके हाथ से पैसे लेकर किसी तरह चढ़ ही गया। जानता था 1500 रुपये के लिए आप जंजीर भी नहीं खींचेंगे। वो तो आपकी बोगी ठीक मेरी ट्रॉली के सामने रुकी थी, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि आप मिल जाएंगे। लीजिए ये आपके बाकी के पैसे। मैं हतप्रभ हो उसकी ओर देखता रह गया। सामने वाले सज्जन झेप कर खिड़की के बाहर देखने लगे। मैंने धन्यवाद के साथ उसे 100 रुपये देने चाहे तो बोला, नहीं सर, ये नहीं लूंगा। हाँ, मेरे आने तक अगर आपने मेरे बारे में कोई राय कायम कर ली हो तो उसे अपने मन से जरूर हटा दीजिएगा, बस। तो दोस्तों, ये थी लघु कथा जिसके लेखक थे सदानंद कवीश्वर जी। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।